कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है। तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रेटजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी, जयराम जी, जयराम